بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.

हम पढ़ेंगे पहले और उसके बाद फिर सफा नंबर बारह इशारा बी इनशा बकरा की आयत नंबर चौरासी हमने पढ़नी है और आयत नंबर पचासी का एक हिस्सा आज पढ़ेंगे हम इनशा ये तो अब तक मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो गया है कि क्यूसी टू में हमने पहले पांच सफ़े पढ़े फिर क्यूसी थ्री में अगले पांच सफ़े पढ़े और अब क्यूसी फोर में सफर नंबर ग्यारह से पंद्रह हमने पढ़ना है ग्यारह अलहमद हम मुकम्मल कर चुके हैं चार इशारे उसके सीख लिए और बारह आज शुरू कर रहे हैं तो अगर करें हम तो फिर दोबारा से हम राइट हैंड पे आ गए क्योंकि हमने राइट हैंड से शुरू किया था फिर क्यूसी टू में लेफ्ट हैंड पे आ गए क्यूसी थ्री में और अब दोबारा से हम राइट हैंड पे आ गए क्यूसी फोर में अलहमदुल्ला चार इशारे जो हमने इस सफ़े के ऊपर बारहवें सफ़े के ऊपर जो पढ़ने वो है पहला इशारा है मीसाक और खून बल्कि मीसाक खून हो गई है दूसरा इशारा था कत्ल व अखराज और तीसरा इशारा और चौथा इशारा जो हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाज़ी किताब पर ईमान यानी किताब के बाज़ हिस्सों पर ईमान और फिर मूसा व ईसा इस्लाम और रसूलों से सलूक साहब उधर की लाइट ऑन कर लें आप लोग तो जहां बैठे हैं पीछे वाली तो ये इशारे थे शुरू से अगर हम रिवीजन कर लें ज्यादा अच्छा है सबसे पहले सफा नंबर 11 के जो चार इशारे थे जाहिल और पढ़े लिखों का हाल आग सिर्फ चंद दिन कायदा आग और जन्नत का और मिसाके बनी इसराइल आज के जो इशारे हैं मिसाक खून कत्लो अखराज बास किताब पर ईमान मूसा शॉर्ट में दोबारा तो, रिपीट हो रहा था तो इसलिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पे मिसाक खून ऐड कर दिया उसमें ताकि याद रहे कि अच्छा खाली मिसाक जो था वो उसका था और ये मिसाक खून वाला है उसके बाद कत्ल फिर बाघ और मूसा व ईसा टॉपिक वही कंटिन्यू हो रहा है बनी इसराइल का इस पूरे कोर्स में वही बात होती रहेगी कि बनी इसराइल की नाफरमानिया ना शुक्रिया अल्लाह ताला के एहसान उनके ऊपर और फिर उनके जो गलत कॉन्सेप्ट है सबसे ज्यादा इस किसी फोर के अंदर जो बात हो रही है कि जो उनके गलत अकायद बन गए थे उनका रद दलाइल के साथ तो सबसे पहला इशारा है जो आयत नंबर चौरासी है इसको हम शुरू करते हैं जो इसबाक हम इस एक आयत से हासिल करेंगे इन दोबारा देखेंगे इसको वो है कि अल्लाह ताला ने बनी साइल से ये अहद लिया था कि वो ना लोगों का कत्ल करेंगे और ना उन्हें उनके घरों से निकालेंगे अल्लाह ताला ने इंसानी हकूक़ को खास अहमियत दी है और अल्लाह ताला ईमान वालों को एक जिस्म की तरह देखना चाहते हैं गोया आपस में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना खुद को तकलीफ पहुंचाना है नए अल्फाज पहली लाइन में तो कोई भी नया लफ्ज नहीं है और दूसरी लाइन में सिर्फ दो नए लफ्ज हैं तो अलहमद आप देखें पूरी आयत में सिर्फ दो नए लफ्ज आएंगे द को पहले हम सुन लेते हैं उसके बाद फिर लफ्जी तर्जुमा और उसकी तशरी आइए सुनते हैं औजुबल्ला ही मेरे शैतम नहीं। नहीं। पहले आयत का तर्जुमा एक दफा देख लें हम और जब हमने लिया पुख्ता वादा तुमसे कि ना बहाओगे तुम अपने खून आपस में और ना निकालोगे अपने आप को अपने घरों से अः ये अपने आप का मतलब ये है कि आपस में अपने लोगों को फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह हो आइए लफी तर्जुमा देखते हैं वाह और इस याद करो उस वक्त को जब अखज ना ये भी हमें पहले से आता है हम पढ़ चुके हैं पहले अखज या अखजू से अखज ना हमने लिया हमने पकड़ा हमने लिया हमने निकाला इन सब मीसाका कुम मिसाक मी पहले भी हम पढ़ चुके हैं पुख्ता किससे तुम सबसे क्या मिसाख था वो ला तस्फीकु न दिमा ये नहीं तुम सब बहाओगे सफा का यशफीकू ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं जब वहां पे जिक्र आया था पिछले कोर्स में जब फरिश्तों ने कहा था कि आदम इस्लाम की तखलीक पे कि ये जमीन में फसाद करेंगे और खून बहाएंगे वहां पे ये लफ्ज़ भी नहीं आनी हमारे लिए दिमा अकुम दिमा भी हम पढ़ चुके हैं दमन की जमा दम खून को कहते हैं और उसकी जमा है दिमाग तो दिमा तुम सब के खून वाला तखरीजूना तो और नहीं तुम सब निकालोगे अखरजा युखरिजू ये भी हम कि टू में पढ़ चुके हैं थ्री में पढ़ चुके हैं जब मैंने मजदीद उनफी के अफाल पढ़े तो उसके अंदर तो ये उसकी पूरी गर्दान हमें आती है तो ला तखरीजूना तो तुम सब नहीं निकालोगे अनफुसकुम अनफुस पता है मैं जमा है उसकी एक मिनट सॉरी uh, गला मेरा रिकवर तो कर गया था अम मगर वो क्लासेस क्योंकि चल रही है तो बाद रेस्ट नहीं मिलता है दो दो घंटे की क्लासेस में तो इस वजह से थोड़ी सी ड्राईनेस फील हो रही है मगर अलमदिल्ला ठीक है कर, रुके थे हम हमने कहा था कि पहले भी हम क्यूसी टू में पढ़ चुके हैं और थ्री में भी आया था नफ्स की जमा जमासु की जमा अनफुसा अन्फुस। कुम के तुम सब के नफ्स यानी कि तुम सब अपने आप को क्या मिन दियारी को मिन से दियार दार की जमा है दार घर को कहते हैं दियार उसकी जमा है ठीक है ना तो दियारी कुम तुम अपने घरों से अपने लोगों को अपने घरों से नहीं निकालोगे सुम्मा फिर अकर तुम अकरर ता ये भी हम बाप तो पढ़ चुके हैं ठीक है ना हा मगर फेल शायद नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लेते हैं तुमने इक़रार किया वन अंतुम तशद और इस हाल में कि तुम गवाह हो उसके वन अंतुम और तुम सब तशद उसके गवाह हो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ये अहद लिया था कि वह लोगों को कत्ल नहीं करेंगे और ना ही वो उनको उनके घरों से निकालेंगे और कीजिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के बुनियादी हकूक़ को कितनी अहमियत दी है ख़ास तौर से उसे ज़िंदा रहने के और जायदाद रखने के हक को वो कहता है हमने पुख्ता अहद लिया है तुमने उसका इकरार भी किया है तुम लोग उसके गवाह थे यानी तुम्हारी गैरमी में ये अहद नहीं लिया गया था अपना खून यानी आपस में एक दूसरे का खून क्योंकि आपस में और एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना गोया खुद अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना है अपने आप को मत निकालो यानी तुम में से कोई किसी को ना निकाले जब किसी को उसके घर से निकाल दिया जाता है तो वो खुद को जलील और रस्वा महसूस करता है और जहां कहीं जाएगा अजनबी ही रहेगा इसी तरह निकाले जाने की सूरत में मुमकिन है कि उसे सख्त तरीन तकालीफ का सामना करना पड़े ये एक तरह से हम मुसलमानों के लिए भी याद दहानी है हदीस डॉक्टर साहब ने यहाँ पर नकल किए नुमान बिन बशीर रदी से रवायत है कि रसूल सल ने फरमाया मोमिनों की मिसाल उनकी दोस्ती और इतिहाद और शफकत में ऐसी है जैसे एक बदन के बदन में जब कोई वज़ू दर्द करता है तो नींद न आने और बुखार की वजह से सारा बदन उसमें शरीक हो जाता है तो यह हम ख़ुद भी एक्सपीरियंस करते हैं कभी तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि जब हम आपस में ताल्लुकात को देखते हैं मोमिनों के तो हम लोगों को आपस में भी उसी तरह से तलुकत रखने चाहिए और एक दूसरे के लिए उतनी ही मोहब्बत इतिहाद और ये जो एक दूसरे के लिए केयर होती है शफकत उसका उतना ही ख्याल रखना चाहिए कि जैसे ये एक जिसम है तो, अलहमदिल्ला आयत नंबर चौरासी हमारी मुकम्मल हो गई है इसका तर्जुमा एक दफा फिर देख ले और फिर जब हमने तुमसे पुख्ता आहद लिया कि तुम अपनों के खून ना बहाओगे और ना तुम अपनों को अपनी बस्तियों से निकालोगे फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह हो होदत के असबाक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से यह अहद लिया था कि वो ना लोगों का कत्ल करेंगे और ना उन्हें उनके घरों से निकालेंगे अल्लाह ताला ने इंसानी हकूक को खास अहमियत दी है और अल्लाह ताला ईमान वालों को एक जिस्म की तरह देखना चाहते हैं गोया आपस में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना खुद अपने आप को तकलीफ पहुंचाना है तस्वुर को सीखने के बाद हमें क्या दुआ करनी चाहिए एल्लाह तेरे साथ किए गए वादों को तोड़ने से हमारी हिफाजत फरमा और जिंदगी के हर गोशे में तेरी इतात करने की तौफी अता फरमा फिर साफ करें अपना और क्या प्लान बनाए कि इनशाला मैं हर इंसान के जानो माल का हर मुमकिन ख्याल रखूंगा इस आयत में जो इसम और फेल हमने पढ़े उनको देख लेते हैं सबसे पहले मीसाक ये हम पहले पढ़ चुके हैं मीसाख इसकी जमा किया होगी मवासीकु ये देख लें मीसाक में तो तनवीन आ रही है मगर मवासीक के ऊपर सिर्फ पेश है इसलिए कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं इसमें तनमी नहीं आती है जमा में दिमा ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं दमुन की जमा दिमाग उन नफसुन की जमा अनफस जी और दारुन की जमा दियारुन ठीक सही अफाल सफा सफाका यशफिकु ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं थ्री में और बाप दराबा से है ये इस्फिक, साफिक मशफूक और शहीदा यशद ये में आता है तशद यशदु से तशदु और तशद तश्धु तशदना ठीक है ना फेल मजार जमा तो इसकी भी हमें कई दफा हम ये पढ़ चुके हैं शहीदा, यशहदु, इशहद, शाहिद, मशहूद और शहीदुशाह कमजोर हरूफ वाले देख लें कमजोर वाला तो मेरा ख्याल कोई नहीं है मामूज हमजा वाला है इसमें अखाजा या अखुजू ये देखे सेकेंड लाइन में लिखा हुआ ना हमजा वाले अफाल तो ये उसमें है अः अखाजा या अखुजू इसकी हमने इस... का जो रेफरेंस फेल पड़ा था अमारा या अमूर ठीक है ना तो बिल्कुल उसी वजन पे अखाजा या अखुजू खुज आखिज मखूज और उन फी से योख़री जो हम पढ़ चुके हैं क्यूसी वन में बाब कौन सा इसका इफाल जी तो अखरजा युखरिजु अखरज ठीक है ना और मुखरज मुखरज इखराज अकर्रा यु ये इस वजन पे हमने एक फेल पढ़ा था अदल्ला माशाल्लाह देखें याद है ना युदिल्लु तो वहां पे था इदलाल बाप कौन सा है इफ आल इससे याद रख लें आप रेफरेंस फेल इसका अकर्रा युकरु का असलमयुस्लिम नहीं है इसका क्यों इसलिए कि इसमें आगे शद आ रहा है तो इसका रेफरेंस फेल जो हमने पढ़ा है अदल्ला से याद रखें अकर्रा वह हैद्लाद रखे तो मुकर्रकरारकरार उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ये वही है अलहमद कुरान वाला पाठ हमने मुकम्मल कर लिए आज ये छोटी सी आयत थी लेसन भी बहुत छोटा सा है अलहमद ग्रामर में आ जाते हैं शुरू में हमने ये कहा था कि इसमें हमने सर्फ कम पढ़नी है और नह ज़्यादा पढ़नी है तो जो सर्फ के असबाक थे उसमें से अलहद ला ये मोहनस के सीखे हम पढ़ चुके हैं दो वाले सीखे अभी चल रहे हैं और उसके बाद फिर मजहुल वाले सीखों में आएंगे और नहब में फिर ये चीज़ें इन अगले लेसन में हम पढ़ेंगे तो मोहनस के सारे सीखे पढ़ लिए हमने दो वाले सीखे मेरा ख्याल है अभी थोड़े से रहते हैं हाँ थोड़े से रहते हैं आज पढ़ेंगे हम जमायर हमने पढ़े थे तो जमायर जो पढ़े थे रिवीजन कर लें उसकी दो उंगलियों से हमने इशारा किया था हुमा और सामने इशारा किया था अंतुमा ठीक है ना तो ये आ, हुआ से हुमा और हुम था और अंता से अंतुमा और अंतुम भाई ठीक है फिर उसके बाद जो अटैच वाले जमायर होते हैं वो हमने पढ़े थे रब दो उंगलियों से और रबु कुमा तो ये भी किस तरह से थे रिकॉल कर ले इसको रब एक उंगली से फिर दो उंगलियों से होगा रब्बू हुमा और तीन उंगलियों से रब हूम और इसी तरह रबू का एक उंगली से दो उंगलियों से रबु कुमा और चार उंगलियों से रब ठीक है ना तो इससे याद रहेगा हमें कहाँ पे हमने इसको लिखना है फेल माजी ये भी हमने पढ़ लिया है फाइला से फाइला था और यहाँ पे फालता से फालतुमा जी अलहद तो अब आज जो हम पढ़ेंगे यही जो तस्निया या मुसन्ना वाले जो सीखे हैं दो वाले उसमें फैलमज़ारे अमर व नहीं और इसम फाइल ठीक है ना बल्कि मफूल भी शब्द पढ़ेंगे हम हाँ इसम फाइल और मफूल दोनों सबसे पहले फेल मुजारे में आते हैं और वही डॉक्टर साहब ने तरीका वही रखा हुआ है कि हमने जैसे फाइला से किया था तो यहाँ पे हम या फ आलू से करेंगे ठीक है ना तो फेल मुजारे में सबसे पहले या आलू एक उंगली से और उसके बाद या फाइलानी फायलू से अलिफ नून लगा दें उसमें तो या ठीक है ना और जमा तो वही रहेगा सामने आ हम जाएलू उसके बाद अफायलू अब ये आ गया दो वाला सामने तफायलानी ठीक है ना और फिर तफ आलूना ये हमने बात कर ली थी के जब हम अपनी तरफ इशारा करते हैं उसमें दो का कोई जिक्र नहीं है या तो एक होगा या जमा होगा ठीक है ना साइड में और सामने जो है इसमें आते हैं खाली तो ये दो सीखे हैं जो हमने पढ़े हैं सामने इशारा करके पहले इधर साइड में इशारा करके दो उंगलियों के साथ या फल और सामने इशारा करके उंगलियों से तफ अलानी फायलैनी ये दो फेल मुजारे के सीखे जो इस कोर्स में हमने पढ़े तो इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं आज फेल मुजारे की पूरी या फायलू या आयलू या फायलू तफायलू तफ आयलानी ना फायलू न एक दफा मैं इशारा कर दूं फिर आप लोग रिपीट कर लें फिर आगे चलते हैं जजाक टाइम पे आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह तो अब हम आते हैं जो जमा हमने पढ़े हैं वो हुमा और अंतुमा उसके बाद फिर हमने पढ़ा रब्बु रबा रबा फिर फाला फ़ेल में आ गए हम जब फेल माजी में तो फाला और फालतुमा पढ़ा फ़ेल मुजारे में या फ़ालानी और तफ़ालान तो जमायर और फ़ेल मुकम्मल हो गए अलहमदिल्ला जो दस्तियाँ किसी के इस कोर्स में हमने पढ़ने वो सारे पूरे हो जाते हैं अब इनको अरबी में बोलचाल में किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे हल या फलानी इसको इशारे से करेंगे तो आसान हो जाएगा हल या फैलानी क्या जवाब होगा नाम या फाइलानी हल तफलानी नाम तफलानी का क्या जवाब होगा फालू ठीक है ना बस ये देखना है वहां पे हल तफालू का जवाब होता था अफालू और तफालूना का जवाब होता था ना तो तफलानी का जवाब भी ये ना फॉलो ही रहेगा बस ये याद रखना है ये ये गलती हो सकती है इसमें हलिया फलान खैरन नाम या फलान खैरन हल तफलान खैरन नाम न ना फालो खैरन अब हम आते हैं अमर और नहीं के दो वाले सीखे अभी तक हमने फेल अमर में वाहिद और जमा सीखा था तो अब दो उंगलियों से और इशारा कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा दो वाले तस्निया वाले सी है जिसको हम कहते हैं और इसी तरह नहीं में भी ये वाहिद था और ये जमा था तो अब दोंगलियों से इशारा करेंगे तो दो को नफी कर रहे हैं वही फाला का टेबल है हमारा इफ अल इफ अला इफ आलू तीनों हो गया ना इसमें दोबारा कर लें इफ अल इफ अला फायलू अब नहीं में आ जाए लाता फाइल दो उंगलियों के साथ लाता फाइला चेक कर लो आ गया चले ठीक है अच्छा मेरा ख्याल है यहां पे थे <coughs> रीन ऑफ क्यों हो गया वैसे होना नहीं चाहिए था इसको चले दोबारा कर लेते हैं इफ़अल इफ़अला इफ़अलू ला तफ़अल दो उंगलियों के साथ ला तफ़ला ला तफ़अलू ये जमा हो गया तो दो सीखे जो हमने सीखे इसके एक अमर के इफ और लाता इसी तरह पर नहीं के सीख लिए हमने इसको भी बोल चाल में देख लें इफाला अगर हाँ और लाता दो के लिए क्या होगा ला नफल ठीक हो गया इफ अला खैरन नफ खैरन ला तरफ अलहमद लेल भी मुकम्मल हो गए अब इस्म की तरफ आते हैं हमने इस्म फाइल और इसे मफूल पढ़ा है, तो इस्म फाइल हमने इस तरह इशारा करते थे अब दो के लिए हम ऐसे इशारा कर लेंगे ठीक है न? फाइल क्या था फाइला के टेबल में तो फाइल था तो अब दो के लिए हो जाएगा फाइलानी और इसी तरह मफूल था तो अब इसको दो उंगलियों के साथ मफूलानी ठीक है ना फाइलानी मफूलानी दो उंगलियों के साथ ठीक है ना तो ये हमारा इस्म का टेबल फिर मुकम्मल हो जाता है तस्निया के साथ इसकी फिर डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप जैसे हमने फाइला की की उसी तरीके से हम फिर नसरा कर सकते हैं हम कैसे होगी नसरा और नसर बल्कि पहले फेल माजी पूरा कर लेते हैं ना नसरा नसर तुम उसके बाद फेल मुजारे में आए यंसुरानी तंसुरानी अमर में आ गए उनसुरा ला तंसुरा ये ऑफ क्यों हो रहा है भाई बार-बार इसको मेरा ख्याल में देखना पड़ेगा अच्छा चले ये मेरा ख्याल है उसका जो पावर सेविंग है सेटिंग ब्रेक में मुझे याद दिलाएगा इसको सेट कर लेंगे कहां पहुंचे थे हम ला तंसुरा अच्छा अब वहां पे फाइलानी था तो यहाँ पे क्या होगा नासिरानी और मंसूरानी दो उंगलियों मंसूरानी दो उंगलियों के साथ। तो फिर इसी तरह आप अल्लामा से दो सीखे कर सकते हैं और अल्लमा ये क्यों हो रहा है बार बार मेरा ख्याल छोटी सी मैं ब्रेक करके इसको सेट कर ही लू शायद ये वरना तंग करता रहेगा मेरा दो स्लाइडें रह गई उसके बाद फिर हम इसको ब्रेक में सेट कर लेंगे इनशाला तो अभी कर लेते हैं इसको म और तुम फिर योअलीमानी तो ला तो मोलिमानी मोलमानी डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया है कि असलमा से भी दो सीखे कर लें और फिर आपको होमवर्क उन्होंने दिया है कि आप सामिया और कज्जबा से फिर इसी तरह बना सकते हैं तो आगे तो आइए असलमा के दो वाले सीखे कर लेते हैं हम असलमा असलम तुमा युस्लिमानी तो तुस्लिमानी दो को अमर असलिमा नहीं ला तुस्लिमा, तुस्लिमा ला लातुस्लिमा मुस्लिमानी तु और मुस्ला मानी, मुस्ला मानी दो के लिए ठीक है ना आलाम के ऊपर रही चले तो ये होमवर्क हो गया आपका समय और कस्बा का रोड साहब ने आपको सजेस्ट किया है तो यहाँ पे हम लेसन खत्म कर लेते हैं और मैं इसको सेटिंग जो है चेंज कर लूँ उसके बाद पाँच मिनट के बाद इनशाला हम दूसरा लेसन शुरू करेंगे सुबह नूंगा अभी हम दिख ना ली ली आप सब लोगों को खुश इस आज के लेसन के दूसरे हिस्से के लिए शुरू करने से पहले माजरत के दरम्यान में कोई लैपटॉप माल फंक्शन कर गया था तो मैंने ब्रेक टाइम में चेंज किया है वरना आज तो लेसन जल्दी खत्म हो गया था तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी हम टाइम पे ही हैं और मेरा ख्याल है टाइम पे लेसन खत्म हो जाएगा इन तो आइए शुरू करते हैं आ, लेसन आज सफा नंबर बारह पे हैं पहला इशारा जो है हमने आयत नंबर चौरासी का वो कर लिया था मीसाक और खून वाला है यानी के उनसे जो वादा लिया गया था कि खून नहीं बहेंगे दूसरा इशारा जो है वो आयत नंबर पचासी है आयत नंबर पचासी का पहला हिस्सा है सिर्फ आयत नंबर पचासी इनशाला हम दो हिस्सों में करेंगे एक हिस्सा आज करेंगे एक हिस्सा अगले हफ्ते इनशाला तो आइए आज जो हिस्सा है वहां से हम शुरू करते हैं उसका इशारा है कतल व अखराज टॉपिक वही चल रहा है पीछे से बनी इसराइल के जो बात अक़ायदे उनकी और बदामालियों का जो है रद्द है इसबाक जो हम इस हिस्से में देखेंगे इस के अल्लाह ताला के अहम की खिलाफ वर्जी मत कीजिए इस्लाम के किसी भी हिस्से को नज़रअंदाज मत कीजिए ये दो छोटे छोटे सबक मगर बहुत अहम है नए अल्फाज जो हम सीखेंगे पहली आयत में कोई नहीं अलव दूसरी में तीन और तीसरी में भी तीन आइए तो आयत के इस हिस्से को पहले सुन लेते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسا सदकल पहले बा महावरा तर्जुमा इसका देख लेते हैं उसके बाद फिर लफजी तर्जुमे की तरफ आएंगे फिर तुम ही वो लोग हो कि कत्ल करते हो अपनों को और तुम निकालते हो एक फरीक को अपनों में से उनके घरों से तुम चढ़ाई करते हो उन पर गुनाह से और सरकशी से और अगर वो आए तुम्हारे पास कैदी होकर तो तुम बदला दे छुड़ाते हो हालांकि वो हराम किया गया है तुम पर निकालना उनका ये जो बनी इसराइल हरकतें कर रहे थे अः उसके ऊपर अल्लाह ताला ने इनको यादानी कराई इस बात की कि तुम्हें तो ये चीज जायज ही नहीं थी तो आइए लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं फिर तशरी में आएंगे आ, सबसे पहला लफ्ज है सुम्मा सुब अंतुम हाउले हा आ, ये सामने की तरफ और हाजा और हाउलाई तो तुम ही वो लोग हो तख्तुलना कतल करते हो अन्फोसा कुम ये भी हमें आता है वह तुखरिजूना आखराजा यखरिजो तुखरिजूना अभी हमने पढ़ा है फरीक फरीक उर्दू में भी कहते हैं हम एक फरीक तो एक फरीक हो गया मिन कुम तुम में से यानी कि एक ग्रोह या एक ग्रुप या एक कबीला तुम में से करते हैं तखरजूना निकालते हैं कहां से मिन दियारेम मिन से दियार अभी हमने पढ़ा दार की जमा और दियारे हिम उनके घर तरना ये एक नया लगाया अभी हम देख लेंगे इसको ग्रामर में तुम चढ़ाई करते हो मजीदू से हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे ये भी अलैहिम उन पर बिल इस्म। इस्म कहते हैं गुनाह को ये भी हम पढ़ चुके हैं और उद्वान कहते हैं सरकशी को तो यानी के गुनाह और सरकशी करते हुए तुम उनके घरों पर चढ़ाई करते हो जो कि जायज नहीं था व इन और अगर या तू कुम अता या ती हमने पढ़ाया तो या ती से या तू जमा हो गई उसकी ठीक है ना वो आए कुम तुम्हारे पास उसारा असीर, कैदी कह कहते हैं उसारा, इसकी तुफादू हम तुफादु शायद आप कैसे समझ रहे अगर फिदिया से समझ लें अगर उर्दू में भी हम कहते हैं फिदिया देना ना तो उससे आसानी से समझ में आ जाएगा तुफाद हम तुम बदला देकर उनको छुड़ाते हो यानी तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो वाह हु और वो मुहर्रम मुहर्रम हराम किया गया आ, मफूल आ जाएगा अलैकुम तुम पर क्या चीज इखराज हम उनका निकालना इखराज इखराज उनका निकालना जो चीज की गई थी उन पर वो क्या थी इखराज हम बनीसई तारीख में इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। खुद मदीना में भी यहूद के तीन कबीलों का रवैया इसी तरह था बनी बनु बनुरेजा मदीना में मौजूद एक अरब कबीला औस के साथ थे तो बनु नुजैर दूसरे कबीले खजरज के साथ थे तो ये अवस और खजरत जो है ये मुशरकिन जो वहाँ पर थे उनके कबीले थे जहलीत के ज़माने से और जो बनु कुरैजा और बनु नुजैर थे ये ये के कबीले ये भी बहुत अरसे से आबाद थे मगर इनको जब वहाँ से निकाला गया था जॉर्डन वाले इलाके से से तो ये यहाँ आकर के आबाद हो गए थे वो भी किसी लड़ाई झगड़ों में ही हुआ था ऐसा तो ये दो कबीले यहाँ पे आके आबाद हो गए थे तो अब इनका ये था कि ये दोनों कबीले जो थे ये थे तो यहूद इनको आपस में नहीं कर मगर इन्होंने जो इतिहाद किया था वायदा किया था वो दूसरे कबीलों के साथ किया था तो उनके साथ मिलकर के अपने यहूदी कबीले के मुखालफ बना करके लड़ते थे और जब वो कैदी हो गया तो कहते ये तो हमारे भाई है सॉरी ये किसी का माइक ऑन हो गया है प्लीज इसको ऑफ कर लें बच्चों की आवाज आ रही है ये बच्चे ही कर रहे होंगे ना देख लें कोई बात नहीं आप कर दें ऑफ कर दें तो जंग के मौके पर हर कबीला अपने मददगार कबीले की था और उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती थी कि उनके मध्य मुकाबल कबीले में भी यहूद हैं तो ये चीज़ थी जंग ख़त्म होने के बाद यहूद दूसरे कबीले के यहूदियों को फिदिया देकर छुड़ा लेते और कहते कि ये तो अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह का हुक्म तो ये था कि उनसे जंग ही नहीं करते वो भूल जाते थे जबकि उन्हें लड़ाई की शुरुआत शुरु ही नहीं करनी चाहिए थी और ना ही उनको उनके घरों से निकालना चाहिए था इसमें हम मुसलमानों के लिए भी एक याद दिहानी है बहुत ही अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों के आपस में जंगें और खून खराबा हो रहा है अल्लाह ताला हर किस्म की बुराई से बचने में हमारी मदद फरमाए तो ये तो सिर्फ इसी वाके में नहीं अहले किताब के जितने भी वाकते हैं उन सब में हमारे लिए हिदायत कहीं ना कहीं जरूर होती है हदीस जो डॉक्टर साहब ने इसमें अः शामिल किए जाबे रिवायत है कि रसूल ने जुल्म करने से बचो क्योंकि तारीखियाँ हैं का ये हिस्सा आयत नंबर पचासी का यह हिस्सा जो आज का लेसन में था वो हमने मुकम्मल कर लिया है तर्जुमा एक दफा फिर देख लें फिर तुम वो लोग हो जो कत्ल करते हो अपनों को और अपने एक फरीक को उनकी बस्तियों से निकालते हो तुम चढ़ाई करते हो उन पर गुनाह और सरकशी से और अगर वो तुम्हारे पास कैदी होकर आए तो बदला देकर उन्हें छुड़ाते हो हालांकि उनका निकालना तुम पर हराम किया गया था इसबाक द्वार प्लान देखने इसका कि अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी मत कीजिए इस्लाम के किसी भी हिस्से को नजरअंदाज मत कीजिए दुआ क्या करनी चाहिए हमें आयत को पढ़ने और समझने के बाद कि अल्लाह मुझे तेरे गजब से बचा और हर एक के हुकूक अदा करने में मेरी मदद फरमा और प्लान क्या बनाए कि इन ना ही मैं किसी को गाली दूंगा और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाने का ख्याल दिल में लाऊंगा आप जाहिर सी बात है हम आप आज हम लोग जो है उस तरह के आ, जंगों में तो डायरेक्टली शामिल नहीं है मगर जहाँ तक भी होता है अपने मुसलमान भाइयों की जो इज्जत है माल है और आबरू है उसकी हमें हिफाज़त करनी चाहिए तो उसमें ना लड़ाई करें हम अपने मुसलमान भाइयों से ना उनको गाली दें और ना कोई तकलीफ पहुँचाने का ख्याल दिल में लाएँ ख्याल तो आता रहता है आमतौर तो पर ये कर दें वो कर दें मगर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला नाराज़ होंगे हमसे अगर हम ऐसा करेंगे तो तो अल्लाह ताला की नाराज़गी नहीं मोल लेनी चाहिए दुनियावी झगड़ों में अस्मा और अफाल देख लें लेंफुसकुम यह अभी पिछले लेसन में भी आ गया था नफ़सन की जमा अनफुस और फरीकुन की जमा है फुराकाउ इसमें भी देख लें आखिर में तनवीन नहीं है फराकाउर हिम दियार दार की जमा दियार अभी हमने पढ़ा था ये भी रिपीट हो गए इसमुन इसकी जमा देख लें हाँ, लफ्ज आया है इसमन की जमा है आसाम ये नोट कर लें आसाम सा है ये नहीं है सा है इसमन और आसाम उसारा ये मैंने बताया था असीर उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कैद कहिद, कैदी को और उसकी जमा है उसारा फेल की तरफ आते हैं सेहतमंद वाले फेल तख्तुलु ना कतला यकतुलु से हाँ ठीक है ये आता है हमें उदवान हाँ ये अदा यादु ये एक नया फेल आया है इसको देख लें आ, अदा यादु ओ लो ठीक है ना ये किस वजन पे है इस वजन पे हमने पढ़ा है तलायतलु है ना? तला यतलू पढ़ा है ना हमने इस वजन पे और खला यखलू भी पढ़ा था एक और भी फेल पढ़ा है हमने इस वजन पे तो ये एक और फेल आ गया इसी वजन पे जिस तरह दा यद पढ़ा है ना हमने उस तरीके से मगर इसका हाँ इसका जो रेफरेंस होगा वो हमारा जो होगा दा यदू बनेगा ना हाँ ठीक है तो वहां पे था उद यहाँ पे बन गया ओ उदु आप देखें भाई ये फिर वहां दाइन था यहाँ आदिन हो गया तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दफा फिर याद रहेगा कि दा यदू के बदन पे आइए अदा यादू ओ उदु आदिन, आदिन। मादोन उदवान उदू। सरकशी या तू कुम ये हमने देख लिया था पहले ही आता है। मैं फेल अता या अती से या तू तो ये हदा यादी की तरह है मगर हमजा की वजह से थोड़ी सी गिरदान मुख्तलिफ आ जाएगी महमूज में आ जाता है ये अता या ती ये हम गिरदान इसकी पूरी कर चुके हैं और याद होनी चाहिए हमें तुखरिजू ना अखराजा युखरिजू बाबाल से असलमा यूसलिमो के वजन पे अखरजा युखरिजु अखरिज मुखरिज, मुखरज मुखरज अखराज तजा एक नया फेल आ गया है तजा यजाहरु इस वजन पे हमने क्या पढ़ा है तदारसा यतदारसु यही पढ़ा है ना हमने तदारसा यतदारसु ठीक है ना तो बाप कौन सा हो गया तफाउल फाउल मदीन फी में हम पढ़ के आएंगे ठीक है ना क्यूसी थ्री में प्रैक्टिस कर लेते हैं तजाहरा या तजाहर मुतज़ाहिर, मुतज़ाहर, तज़ाहुर, तजाह फादा युफादी इस वजन पे हमने क्या पढ़ा है कौन सा फेल पढ़ा है नादा, नादा युनादी याद कर लें नादा युनादी बाप कौन सा था इसका बाप था मुफालतुन और उसका कमजोर वाला था इसलिए इसकी गर्दान थोड़ी सी मुख्तलिफ थी वैसे तो बाप मुफाला में हमने गर्दान पढ़ी थी हासबा यू वाली ठीक है ना मगर नादा युनादी की अलग गर्दान हमने की थी तो वो रहा रहेगा तो फादा युफादी की किरदान में कोई मसला नहीं होगा हमें प्रैक्टिस कर लें इसकी फादा युफादी फादी मुफादिन मुफादन मुफादात मुफादात उर्दू मुफादा भी इस्तेमाल करते हैं मुहर्रमुन हर्रमा युहर्रिमु तहरीम कौन सा बाब हो गया पाप तफील हो गया ठीक है तो हर रमा युहरिमू हर रिम मोहर्रिम मुहर्रम और तहरीम अलहदुल्ला तो कुरान वाला पार्ट हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया अब आते हैं हम ग्रामर की तरफ ग्रामर में आज हमने फेल मज़हूल जो थोड़ा सा पिछले कोर्स में पढ़ा था अब कुछ और पढ़ेंगे पिछले कोर्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था उसका कुछ अफफाल पढ़े थे हमने तो अलहद अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमने मज़हूल के सीखे जो वहाँ पर याद करें हमने बाब फता नसारा दराबा से तो मजहूल पढ़े थे मगर समिया से नहीं पढ़ा था तो इसमें डॉक्टर साहब ने समिया शामिल कर लिया है और फिर मजीद फी वाले शामिल कर दिए असल जो चीज़ है तो ये सीख लेते हैं आज याद कर लें कि सी टू में हमने हाथ को इस तरह किया था फाइला में हम ऐसे करते थे यहाँ पे था फोईला ठीक है ना और उतारे भी इसी तरह था तो बस वो याद रखना है कि मजूल जब भी आएगा आज सीधा करेंगे हम वहां पे हमने जब बाब नसारा के फेल माजी के मजूल पढ़े थे तो हमने किस तरह से पढ़ा था उसकी आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं नुसरु इसी तरह हाथ रहेगा ना हमारा ठीक है नुसरता नुसर तु नुसर तुम नुसर ना ठीक हो गया और मोहनस कसी का करेंगे तो नुसेरत, ठीक है ना चले तो ये हमारा मुकम्मल हो गया अब जब हम इसके आ, फेल मुजारे में आते हैं तो फेल मुजाहरे में हमने यसरु यसरू नुन सरु उन सरु तुन सरुना नुन सरु और मोहनस में तुन सरु ठीक हो गया तो ये तो हमें आता है जो हम पहले किसी त्री में पढ़ चुके हैं अब एक और फेल है रजा का इसकी प्रैक्टिस करा देंगे नासिर साहब आप आगे जरा मैं भी गले को रेस्ट हूं थोड़ा सा रोजे का रोजे को रोजे रोजेक तू रोजेक तोम रोजेक ना रोजेको योर जाकू ना तोर जाकू ना नोर जाको तोर जा हाल रोजे का नाम रोजे का हल रोजे को नाम रोजे को हल रोजेकता नाम रोजे खतु हल रोजे कतुम ना रोजेक ना सम का जो है मजहूल सोमयादा वाला कीला, हदा हदा हदिया सुमया सममिया वदा कला कीला अदा, अदा खुदिया अल्हम्दुलिल्लाह फेल मुजारे अब लेते हैं युर्जकू युर्जकूना तुर्जकू उर्जकू तुर्जकूना तौर्जकू। नुर्जकू तुर्जकू चाल ले लेते हैं हल युर्जु नाम युर्जकू हल युर्जकू ना नाम युर्जू ना हल तुर्जु नाम उर्जकू हल तुर्जू ना नाम नुरजकू

उल्लेमा, तो सलासी मजीद फील का तफील का हमने ये पढ़ा था तलीम इसका मस्तर था उल्लेमा, अब उल्लेमा की गर्दान करते हैं उल्लेमा, उल्लेमू उलता अब सलासी मजीद फी का जो है हम बाब लेते हैं उनके फेल माजी का वाहद मुजक्कर गैब का सीगा लेके उसको आप मजहूल बनाते हैं तो इसमें याद रखें सलासी मजीद फी के जो बाब हैं उनमें आपने सबसे पहला जो हर्फ है उसको पेश देनी है और आखिर से जो पिछला है सेकंड लास्ट पे जो है उसको जेर देनी है और इनके दरमियान में जो हरूफ हैं उनको पेश देनी है और अगर अलिफ है तो उसको भाव से बदल देना है दोबारा सुन लें पहले हरफ को आपने पेश देनी है सेकंड लास्ट वाले को आपने ज़ेर देनी है इन दोनों के अंदर जितने भी हरकत हैं उनको पेश दे देनी है और अगर अلف आता है उसको वाव से बदल देना है हम लेते हैं हा सबा हा सबा जो है हा के ऊपर हमने पेश दे देनी है और सीन जो है सेकंड लास्ट जो है उसको जेर दे देनी है और इन दोनों के दरमियान में जो है उसको वाव से बदल देना है तो हा हुसेबा हा हुसेबा अब हम लेते हैं बाबे इफाल का अंजला। तो हम पहले अरब को पेश देते हैं उन जिला सेकंड लास्ट को जेर दे दी अब हम लेते हैं ओहा उसने वही की तो को से बदल दिया और सेकंड लास्ट को जेर दी है जब हम इसको जेर देंगे तो जो हा है उसके जबर आती है ये असल में अव आहा था अव आहा तो ये खड़ी जबर बन गया था आओ हा हो गया था तो इसको बना दिया उलाफा उख इख्तलाफा एक तलाफा, तलाफा उख तो हमने पहले को पेश दे दी सेकंड लास्ट पे देर दी और दरमियान में जो हरकत थी उसको पेश दे दी तो इस तरह आपने ये याद रखने हैं रूल कि पहले को जो है पेश देनी है हरफ को को के अंदर और सेकंड लास्ट ज़ेर देनी है तो ये दो रूल हो गए तीसरा रूल ये है कि इन दोनों के दरमियान जो भी हरकत है उसको पेश दे देनी है और चौथा पॉइंट ये है कि इनके दरमियान अगर कोई अलिफ है उसको भाव से बदल देना है जजाकर अलहमदुल्ला तो अब हम मजीद फी हाँ जी ठीक है तो अल्लामा जो है उससे हम मुजारे बनाएंगे युल्लेमो तो युल्लेमो जो है इसका जब पैसे वाइज बनाएंगे मजहूल बनाएंगे तो इसमें यह याद रखें कि पहले हरफ को पेश देनी है वो सेकंड लास्ट को जो है जबर देनी है ये दो ही इसके अंदर पॉइंट हैं पहले हरफ को पेश देनी है अगर पहले पेश है तो वो भी पॉइंट निकल गया और तीन फेल जो हैं बाबे इफाल बाबे तफील और मुफाइला इसके तीनों के मुजारे पेश से शुरू होते हैं तो इनमें आपने सिर्फ सेकंड लास्ट को जबर देनी है तो बाकी जो जितने हैंफा है इस है बाकी भी जितने हैं इन तला का है इन फला है तो उनको जो है शुरू में पेश देनी है आपने तो मज़ार मजहूल के अंदर आपने पहले हरफ पे पेश रखनी है सेकंड लास्ट पे जबर देनी है तो योलम था योम तो ये बन गया योमू लमु। ना तो तौल्लमू, तौल्लमू, एक दफा आप लें ये पॉइंट माजी मजहूल जो है आप कैसे बनाएंगे तो पहला सीखा आपने लेना है वाहद मुजक्कर गैब का वाहद मजक्कर गायब तो उसको जब आपने बेशक सलासी मुजरद हो या मजीद फी हो तो ये चार पॉइंट नोट कर लें पहले हरफ को पेश देनी है दूसरा पॉइंट सेकंड लास्ट हरफ पे जेर देनी है तीसरा पॉइंट इन दोनों के दरमियान कोई भी हरकत है उसको आपने पेश दे देनी है और चौथा पॉइंट ये है कि इसमें अगर कोई अल्फ अलिफ आ रहा है तो उसको वाव से बदल देना है फेल मुजारे मजहूल के लिए आपने पहले हर्फ को जो है पेश देनी है और दूसरा पॉइंट है सेकंड लास्ट को ज़बर देनी है तो इनको अगर आप अच्छी तरह याद करेंगे तो कभी माजी मजहूल और मुजार मजहूल में कोई गलती नहीं होगी बेशक वो सलासी मुजरद हो या मज़ीद फी हो जजा कर लीक है तो यु से मजहूल की प्रैक्टिस एक दफा फिर कर लेना ल्लमू। तो तोअल तो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम यहां पे इसको हम आप कंप्लीट हो गया है लेसन आपका युहा सिबू युहा सबू यून यू ही

कुछ आई एम सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है आज की क्लास में इन ये जो मजहूल का अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो हम अभी कर लेते हैं अगर नेट की प्रॉब्लम हो रही है तो अगली क्लास में इसकी एक छोटी सी रिवीज़न कर लेंगे इन शाला जजाक खैर